गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फिफ्थ टेस्ट मैच, ऐतिहासिक टेस्ट मैच की शुरुआत कल होने वाली है 1 जुलाई को। और आज के इस वीडियो में देखते हैं दोनों टीम्स की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, प्रेडिक्शन करने वाले इन डिटेल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फिफ्थ टेस्ट के बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहले शुरुआत करें इंडिया और इंग्लैंड के बीच में 5वां और आखिरी टेस्ट मैच कल एजबैस्टन पे बिर्मिंगम में खेला जाने वाला है। 1 जुलाई से 5 जुलाई तक ये टेस्ट मैच चलने वाला है और इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग दोपहर के 3 बजे आप ये लाइव देख सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि इंडिया और इंग्लैंड की जो ये टेस्ट मैच की सीरीज है, 5 मैच की टेस्ट मैच की सीरीज थी और 4 टेस्ट मैच पिछले साल हो गए थे, लेकिन ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शंस पिछले साल जो आखिरी टेस्ट मैच था वो पोस्टपोन कर दिया गया था इस सीरीज के लिए। तो जो पिछले 4 टेस्ट मैच हुए हैं उसमें इंडिया 2-1 से आगे है, 1 टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था। तो अब अगर ये सीरीज इंडिया को जीतना है तो ये टेस्ट मैच ऑब्वियसली जीतना ही पड़ेगा। अगर इंडिया ये टेस्ट मैच जीतता है तो 3-1 से सीरीज जीत जाएगा, और इंडिया टेस्ट मैच हारा तो ऑब्वियसली मतलब 2-2 से सीरीज बराबर हो जाएगी, और ड्रॉ हुआ तो फिर भी इंडिया ये सीरीज जीत रही है। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना, बहुत ज्यादा मजा आने वाली है। वेल, इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड काफी ज्यादा बदल चुकी है, नया कप्तान, नया हेड कोच ब्रेंडन मैकलम है, नए कप्तान बेन स्टोक्स है। तो इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ज्यादा मजा आएगी, एक नया एरा ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट आया है। इंग्लैंड मतलब पिछले भी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में भी टेस्ट सीरीज हुई थी और वहां पर इंग्लैंड ने बहुत ताबड़तोड़ बैटिंग और बॉलिंग करी है, न्यूजीलैंड को लिटरली मतलब मजे आए थे वो टेस्ट मैचेस में। तो अब इंडिया के साथ भी मजे तो आने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 आपको बता देता हूं, क्योंकि इंग्लैंड ने अपनी जो प्लेइंग 11 वो पहले ही कर दी है, तो इंग्लैंड की प्लेइंग 11 यहां पर निकल कर आ चुकी है। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में ओपनिंग करेंगे एलेक्स लीस और जैक क्रॉली। नंबर 3 पे ऑली पोप है, नंबर 4 पे जो रूट है, इसके बाद जॉनी बेस्टो है, इसके बाद कप्तान बेन स्टोक्स, फिर विकेट कीपर सैम बिलिंग्स, मैथ्यू पॉट्स, स्टुअर्ट ब्रॉड, जैक लीच और जेम्स एंडरसन। तो 4 वही बॉलर रहने वाले हैं, मैथ्यू पॉट्स, स्टुअर्ट ब्रॉड, जैक लीच और जेम्स एंडरसन, और कप्तान बेन स्टोक्स भी बॉलिंग कर सकते हैं और जो रूट भी बॉलिंग डाल लेते हैं कभी कभी। सो ये इंग्लैंड की प्लेइंग 11 रहने वाली है। इंडिया की प्लेइंग 11 की बात करें तो मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं है, तो रोहित शर्मा की जगह कप्तानी तो जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि शुभमन गिल के साथ ओपन यहां पर हनुमा विहारी को करना चाहिए, या फिर मयंक अग्रवाल को आ जाना चाहिए, या फिर चतेश्वर पुजारा को ओपन कर जाना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को लगता है केएस भारत कैन बी एन आइडियल ऑप्शन। केएस भारत से आप ओपन करवा सकते हो और उनको टेस्ट डेब्यू दे सकते हो। तो मेरा मानना है कि केएस भारत और शुभमन गिल को ओपन करना चाहिए इंडिया के लिए। नंबर 3 पे चतेश्वर पुजारा को नंबर 3 पे ही खेलना चाहिए। नंबर 4 पे विराट कोहली, नंबर 5 पे हनुमा विहारी, नंबर 6 पे विकेट कीपर ऋषभ पंत, यहां तक आपके पास बैटिंग हो जाएगी। नंबर 7 पे रविंद्र जाडेजा है, इनफैक्ट रविंद्र जाडेजा भी बैटिंग कर लेंगे। अब नंबर 8 पे अश्विन या शार्दुल ठाकुर, दोनों में से कोई एक। पिछले साल जो 4 टेस्ट मैचेस हुए थे वहां पर रविचंद्रन अश्विन को बेंच पे बिठाया गया था, वहां पर अश्विन नहीं खेले थे, वहां पर शार्दुल ठाकुर ही थे। तो यहां पर एक बड़ा डिसीजन है वही कि रविचंद्रन अश्विन या फिर शार्दुल ठाकुर। अगर 2 स्पिनर्स खिलाने हैं तो फिर आप जड्डू और अश्विन के साथ जा सकते हो, अगर एक स्पिन ऑप्शन चाहिए तो फिर आप ऑब्वियसली शार्दुल ठाकुर को खिला सकते हो। लेकिन हाँ, आपको थोड़ी सी स्ट्रांग बैटिंग चाहिए नीचे तो फिर यू कैन गो विद शार्दुल ठाकुर। तो यहां पर मैं इफ एन बट रख रहा हूं। नंबर 9 पे मोहम्मद शमी खेलने वाले हैं, नंबर 10 पे कप्तान जसप्रीत बुमराह, और नंबर 11 पर एक और पेसर आएगा, मोहम्मद सिराज या उमेश यादव। रीसेंट परफॉर्मेंस देखें आईपीएल में भी, तो मेरे को स्लाइटली ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि उमेश यादव को यहां पर खिलाना चाहिए। मोहम्मद सिराज का भी जो प्रदर्शन है वार्म अप मैचेस में वो अच्छा था, लेकिन मेरी अकॉर्डिंग टू मी मेरे को लग रहा है उमेश यादव के साथ जाना चाहिए। तो ऐसी कुछ प्लेइंग 11 इंडिया की हो सकती है। वेल, बात करें अब प्रिडिक्शन की, तो मेरे को टफ लग रहा है, इंडिया का जीतना थोड़ा तो मुश्किल है। आई थिंक इंडिया कैन गो फॉर अ ड्रॉ। मेरे को लग रहा है कि ये मैच ड्रॉ हो सकता है, इंडिया सीरीज जीत जाएगी 2-1 से। मेरी प्रिडिक्शन है ये मैच ड्रॉ हो सकता है, लेकिन इंग्लैंड कुछ भी कर सकती है। लाइक लिटरली टेस्ट मैच में आखिरी के 50 ओवर में 300 रन चेस करे हैं इंग्लैंड की टीम ने, मतलब 300 रन बनाए हैं, तो कुछ भी हो सकता है, मजा आएगी देखने में। टेस्ट मैच विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो बस मेरी तरफ से आज की ये वीडियो थी, आपकी क्या मैच प्रिडिक्शन है नीचे कॉमेंट करके बता देना। मेरी प्रिडिक्शन है कि ड्रॉ हो सकता है मैच, या फिर इंग्लैंड जीत सकती है। चांसेस कम है, इंडिया जीत जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चांसेस कम है। सो बस मेरी तरफ से ये वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।